इंडोनेशिया में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय टीम ने गुरुवार के दिन मेजबान टीम को उन्हीं के घर में 16-0 से शिकस्त देते हुए धमाकेदार जीत दर्ज की है। भारतीय हॉकी ने एक तरफा मैच में इंडोनेशिया को शिकस्त देते हुए एशिया कप 2022 के सुपर चार में अपनी जगह स्थापित कर ली है। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने मेजबान इंडोनेशिया पर शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा और अंत में मैच 16-0 से अपने नाम कर लिया। लेकिन भारत की इस धमाकेदार जीत के साथ ही अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान अब 2023 विश्व कप की प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को आखिरी मैच में जापान की टीम ने 3-2 से शिकस्त दी थी और भारत की इसी जीत से पाकिस्तान की टीम अगले साल विश्व कप नहीं खेल पाएगी। भारत की इस जीत की खबर हॉकी इंडिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर साझा की है। भारतीय हॉकी टीम की इस जीत पर पूर्व भारतीय हॉकी टीम के कप्तान वीरेन रस किन्हा ने बधाई देते हुए टीम के लिए ट्वीट किया। अगर टूर्नामेंट की बात करें तो जापान और भारत नॉकआउट मैच के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। वहीं अगर विश्व कप की बात करें तो भारत के क्वालिफाई करने के अलावा जापान, कोरिया और मलेशिया भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गया है और पाकिस्तान का पत्ता विश्व कप से साफ हो गया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।